Everyone, welcome back to Mann Ki Baat. I'm hazir hai ek aur video mein, and what an exciting morning it has been already. First of all, wishing everyone out there a very very happy Raksha Bandhan. और आज सुबह ही द टीम ऑफ सलार हैज जस्ट ड्रॉप्ड अ सरप्राइज बॉम्ब, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. किसी को भी थोड़े देर पहले तक भनक नहीं था कि सलार की तरफ से कुछ अपडेट आने वाला है. इट इज अ वेरी एक्साइटिंग अपडेट जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. इंट्रोड्यूसिंग राजा मनार फ्रॉम सलार टुमारो 10:30 AM. अब कौन है ये राजा मनार, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्योंकि सबका दिमाग अब उसी पर टिक गया है. क्या वो मेन विलन होने वाला है, क्या वो सलार का मतलब यानी कि प्रभास का ही कोई और कैरेक्टर का नेम होने वाला है. अगर डुअल रोल है, अलग अलग रोल है, तो एक का नाम सलार, दूसरे का नाम क्या राजा मनार हो सकता है, या कहीं अपने जग्गू भाई यानी कि जगपति बाबू सर का जो कैरेक्टर नेम है वो तो नहीं. सबका निगाहें टिका हुआ है कल पे 10:30 बजे पे कि कौन होने वाला है राजा मनार. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है इसको लेके. और सही तरह से जो टीज करना बोलते हैं ना, सलार के मेकर्स ने एकदम सही तरह से टीज कर दिया कि भाई आप 24 घंटे सोचते रहो कि कौन होने वाला है राजा मनार. एंड दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग नाउ. कल सबको पता चलेगा कि कौन है राजा मनार, लेकिन फिलहाल जो एक्साइटमेंट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे कि आखिर कौन हो सकता है. अब जैसे ही अगर कुछ पता चलेगा, बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा कि हु इज राजा मनार, हम आपको जरूर बताएंगे. तो उसके लिए बने रहना चैनल पे. और देखिए प्रभास का जो लुक है, 3 लुक होने वाले हैं, 2 लुक ऑलरेडी रिवील हो चुका है. क्या वो तीसरा लुक हो सकता है जो कल रिवील हो जाए एक और कैरेक्टर के नाम में, अब वो तो कल ही पता चलेगा. लेकिन कल आदि पुरुष का जो एक लुक है वो जरूर निकल चुका है, जो प्रभास का कल अगर आपने लाइव देखा होगा. चिरंजीवी साहब का बर्थडे आज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग द मेगा स्टार द इंस्पिरेशन टू मेनी चिरंजीवी सर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और उनके बर्थडे के ओकेजन पे आज सुबह ही उनका नेक्स्ट फिल्म भोला शंकर का अनाउंसमेंट हुआ है टाइटल, जो कि अपेरेंटली वेदलम का रीमेक होने वाला है, जो थलाजीत की फिल्म थी तमिल में. और कल ही गॉडफादर का अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि एक मलयालम फिल्म लूसिफर मोहनलाल सर की, उसका रीमेक है. और उसी का जो सेलिब्रेशन हो रहा था, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें प्रभास कल आए थे 10-20 सेकंड के लिए, एक लाइव उन्होंने बस विशेष दिए थे. और दैट लुक वेंट वायरल, एब्सोल्युटली वायरल. वो थिक मुस्टैच, ही वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एज आपको पता होगा कि आदि पुरुष की शूटिंग कर रहे हैं वो मुंबई में. और एक और चीज कल निकला था, श्रीदेवी सोडा सेंटर जो कि एक फिल्म है सुधीर बाबू की, उसके प्रमोशनल के लिए एक इंटरव्यू शूट किया प्रभास ने. वहां से उनका सलार का लुक वायरल हुआ था, वो फुल बियर्डेड एंड ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली बीस्ट लाइक. वो पूरा इंटरव्यू आज या कल में ही आने वाला है, तो वहां पे ही वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली जबरदस्त, मतलब फुल बियर्डेड, फुल बीफ्ड अप, जबरदस्त लग रहे थे वहां पे. तो 2 लुक्स कल प्रभास के बहुत ज्यादा चर्चे में आए थे. और जो चिरंजीवी सर का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, उस वीडियो के अगर कमेंट में देखो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभास ही थे, मतलब लग रहा था कि प्रभास का बर्थडे. तो इस तरह का क्रेज है, इस तरह का यूफोरिया है प्रभास को लेके. और कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सलार को लेके कि क्या आने वाला है, आखिर कौन होने वाला है राजा मनार. आपको क्या लगता है, जो भी आपके थॉट्स हो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना. सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना. और कुछ बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां मैसेज कर सकते हो. मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.